क्या लग रहा है उनको लाना यहाँ सही है? सबके सब मुस्लिमों पे वोट खेल रहे दाओ, सबके सब सारी पार्टी एक वो है तुम्हारे बिहार का तेजस्वी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तुम मेरा साथ दोगे मैं तुम्हारा साथ दूंगा, कोई भी दिक्कत हो, ऐसा थोड़ा होता है यार। एक नेता प्रजा जो होती है सबके लिए होती बराबर होती है, तुम एक पक्ष को खुश करने के लिए साले हिंदू को ऐसे तैसे मार दो तुम, ऐसे ये कहीं का रूल है क्या? ऐसा तो कोई ऐसा तो कोई बयान आया नहीं। वीडियो देखी हमने 2 बजे की, अभी मैंने और जो मेरे पहुंची मैं दिखा देते 2 बजे की है, रात के 2 बजे की पब्लिक में पब्लिक डोमेन में बोल रहा वो पूरी इकट्ठी है यार, ऐसे थोड़ा ना होता है। जो एक राजा होता है ना, राजा और प्रजा होती है, प्रजा में कभी भेदभाव नहीं करता राजा, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो गरीब हो अमीर हो कुछ भी हो, किसी में प्रजा में भेदभाव नहीं करते। और ये भेदभाव करते फिर रहे इतना दिखा बता रहे हैं, लेकिन किस काम के वजह से आ रही है 24 में? कौन सा काम आपको अच्छा लगा जो 24 में फिर ला रहे हैं? भाई देख, मैं 2 चीज़ का बड़ा फैन हूँ, एक तो देश की आंतरिक सुरक्षा, ठीक है, और बाहरिक सुरक्षा, और तुम्हारा जो पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, किसी भी रोड पकड़ लो, आप नोएडा से मेरठ के लिए पकड़ो, आप मेरठ से चंडीगढ़ के लिए पकड़ो, गाड़ी दन दना के ऐसी जाती है बिना ब्रेक, आपको जहाँ रुकना ब्रेक वहीं पे जाके लगेगा, ऐसी गाड़ी दन दना के जाती है, मेरठ में 1 घंटे का सफर है उस पर चढ़ोगे आप। देखिए रोड बनाना तो सरकार को हम लोग रोडे नाला बनाने के लिए चुनते हैं, ठीक, तो सरकार तो काम करेगी, आपके लिए कौन ऐसा काम कर दी पब्लिक के लिए जो पब्लिक फिर मोदी को पसंद? पर्टिकुलर आदमी के लिए गवर्नमेंट कोई काम नहीं करती है, आप सोच रहे कि मेरे लिए क्या किया, पर्टिकुलर बंदे के लिए कोई काम नहीं करती गवर्नमेंट करती है सबके हित में, पूरी देश की जनता के हित में देख के काम करती है, किसी पर्टिकुलर एक आदमी के या एक धर्म के या एक समुदाय जाति के धर्म उसके उसमें नहीं करती, वो पूरी जितनी देश की आवाम होती है 140 करोड़ जितने भी है उसको देख के वो डिसीजन लेती है, फैसले लेती है, कार्य करती है, ना कि किसी एक बंदे को लेकर के। अगर जो मैं बोलूं कि मुझे क्या मिला, जो सबको मिला आपको मिला, राशन छोड़ के, क्योंकि मैं राशन लेता नहीं, बात है साफ, आखिर क्यों नहीं राशन लेता? राशन मैं लेता नहीं, भगवान ने कैपेबल बनाया, नहीं लेता राशन, शुरू से ही नहीं लेता। यहाँ मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि फिर 5 साल और राशन मिलेगा, ये बताइए राशन देना उचित है कि लोगों को रोजगार देना शिक्षा देना? देखिए मेरे भाई, राशन की मैं बात बता दूं, आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, कार्ड बना होता है, राशन एक आम पब्लिक का अधिकार होता है, जो बेचारे आम जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं उन्हें दिया जाता है। अभी जो इंसान जो छोड़ना चाहे, जैसे हमने छोड़ रखा, जो इंसान कैपेबल है जो छोड़ना चाहता है वो छोड़ सकता है, मोदी जी ये नहीं बोले हाथ पकड़ के तुम चले जाओ, मैं मानता हूँ फॉर्चुनर ले गया बुलेट ले जा ले जाकर 10-10 किलो नाच ला रहे, 10-10 किलो नाच ला रहे, भाई छोड़ो ना, अगर आप में काबिलियत है, आप कैपेबल हो, आप छोड़ दो भाई, हाथ पकड़ के थोड़ा ले जा रही है मोदी भाई, वो मोदी जी ने तो सुविधा दी है जन जन को, आप जहाँ जा ले जा ला सकते हो तो ले आओ, और नहीं ला सकते तो मतलब हाँ क्या कर रहे हैं? राशन जो दे रही है सरकार, अभी मैं आपके पास आ रहा हूँ, दे रही है, क्या ये सही है या गलत है? देखिए राशन दे रहा है सही है गलत है ये आपको खुद पता लग रहा होगा कि राशन दे रही है सही है या नहीं है, राशन देना भी सही है और बहुत सारी चीज दे रही है सरकार, शौचालय दे रही है, घर दे रही है, बढ़िया रोड दे रही है, अब क्या देना है? मोदी के जोरे में अभी दूसरा कोई नहीं है, प्रधानमंत्री के योग्य और कोई दूसरा चेहरा ही नहीं है।